बुक करना है और सीधे निकलना है सिर्फ पिकअप्स के लिए, कोई डिलीवरी नहीं है आज की। तो अभी पहले मैं जा रही हूँ ट्रक में फ्यूल करवाने, बस फ्यूल काफ़ी कम है। सो मैं करने लगी हूँ अराउंड 500 का। भाग रही हूँ और मुझे पता नहीं क्यों, मैं कभी भी टाइम पर क्यों नहीं हो पाती, मुझे इसका रीज़न ही नहीं पता, डोंट नो वाई। बट टाइम पर होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, पंक्चुअलिटी उसके लिए कम से कम 10-15 मिनट पहले होना चाहिए। मैं पूरा ऑन टाइम होती हूँ, अगर मुझे जितने बजे निकलना है मैं उतने बजे ही निकलती हूँ, मतलब ऐसे लेकर चलती हूँ कि हाँ, और जो ऊपर के 5-10 मिनट लग जाते हैं वो अलग है। कोई नहीं, इम्प्रूवमेंट लाऊंगी अपने अंदर बहुत सारी इम्प्रूवमेंट लाऊंगी। सबसे पहले तो टाइम पर पंक्चुअल होंगी, अभी पूरा साल पड़ा है, इस साल में अपनी इस कमी को दूर करूंगी। सो अभी जो ये ट्रेनर है जिसका नंबर है 95393, इसको मुझे हुक करना है और सीधे निकलना है सिर्फ पिकअप्स के लिए, कोई डिलीवरी नहीं है आज की। आज आते ही पहले ये स्कैनर मिल गया और उन्हें कहा जाओ डायरेक्ट एमपी ट्रेलर लेके पिकअप के लिए। सो ये है एमपी ट्रेलर 95393, इसको लेके मैं सीधे निकलती हूँ पिकअप करने। सो अभी पहले मैं जा रही हूँ ट्रक में फ्यूल करवाने, बस फ्यूल काफ़ी कम है और मुझे काफ़ी दूर जाना है, मतलब लाइक अभी जो मुझे पिकअप मिली है वो 1 आवर की डिस्टेंस पे है, सो अराउंड 60 किलोमीटर्स है। इसके पहले मैं इसमें फ्यूल करवा लेती हूँ पूरा एंड उसके बाद जाती हूँ। और आज तो इसमें टैप भी भरवानी है, बस टैप का एक होता है ना जो उसका गेज कम है टैप का, तो पहले जैसे ही फ्यूल करवाना है वैसे ही टैप करवाना है, सो दोनों चीज़ें करवा के फिर मैं निकलूँ। एंड अभी मैं ऑन द वे हूँ जो पेट्रोल पंप है उसके पास, देखते हैं वहाँ पर ना बस भीड़ ना हो, बिकॉज वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा रश होता है मॉर्निंग में, सारे ड्राइवर्स आए होते हैं और कुछ ड्राइवर्स तो मतलब लाइक फ्यूल नहीं करवा रहे होते, जस्ट लगा के वहाँ पर टिम भी है ना साथ में तो वहाँ से कॉफ़ी वॉफ़ी ले रहे होते हैं। सो बहुत ज़्यादा रश है वहाँ पर, यूज़ नहीं होता है आज का, पता नहीं अभी मैं पहुँच रही हूँ पहुँच के पता चलेगा। सो ये है गैस स्टेशन जहाँ से मैं फ्यूल करवाने लगी हूँ, वो सारे सामने ट्रक खड़े हैं, वो एक्चुअली यहाँ पे पार्किंग का है ना, जो
ट्रकों का ट्रक यहाँ पे लगा के आप स्टे कर सकते हो, बट ये जो सारे हैं ये भी यहाँ पर ऐसे ही ट्रक लगा के होते हैं। आज लकीली यहाँ पर भीड़ नहीं है फ्यूल करवाने वालों की, बट इतनी होती है ना यूजली, आज नहीं है। और अभी मैं करवाने लगी हूँ फ्यूल। करने लगी हूँ अराउंड 500 का 58 ऑडोमीटर। अभी ये इसकी नॉजल को करते हैं एंड इसको हाईवे पर हूँ और ऐसे अराउंड 1 आवर मतलब होने ही वाला है अभी। ऐसे ही मेरे को ट्रक चलाते 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 अभी तक लोकेशन नहीं आई। 45 to 50 मिनट्स तो हो ही गए हैं और अभी भी दिखा रहा है कि कम से कम 20 मिनट और लगेंगे। चलते जा रहे हैं सीधे सीधे देखते हैं। नेवी के जितना मैंने सुना था, नेवी के जो रिटायर होते हैं वो अपना अपना पर्सनल प्लेन
एयरपोर्ट ही है लगता है ये। सो इनका जो भी लोड होता होगा वो इसमें आता होगा और उसके बाद वो मतलब कार्गो शिपमेंट काइंड ऑफ।
के बाद मैं अंदर जाऊंगी। और यहाँ पर मैं बहुत पहले आई थी, मुझे याद है। ठंड सी लग रही थी इसलिए आज बिना विंडो खोले हम बैकअप करेंगे। ऑलमोस्ट तो हो ही है। चलो आप लोगों को कैमरे में ठीक से दिखे इसके लिए मैं ऑन है, मैंने खोल दी विंडो। बेल है अपने अपार्टमेंट में। और बस अब मैं थोड़ा सा आराम करूंगी और कुछ बनाऊंगी अपने लिए खाने को एंड बस इसी तरह अपने डे को एंड करूंगी। सो इस ब्लॉग की एंडिंग भी मैं यहाँ कहने लगी। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड बाय बाय फॉर नाउ।